इंजीनियर वाली कहावत है कि इंजीनियर तो बन गए लेकिन इंजीनियरिंग वाले कोई गट्स नहीं है। नाम भी होगा, काम भी होगा। नाम भी होगा। यार अलीगढ़ में हूँ, अलीगढ़ आयुर्वेदिक एंड यूनानी कॉलेज है ना, मेडिकल कॉलेज और एशियन हॉस्पिटल के नेम से ये कॉलेज फेमस है। तो यहाँ के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे यार, बातचीत की जाएगी। मैं अभी करंटली कैंपस के अंदर हूँ, आई थिंक लंच टाइम चल रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे तो कुछ क्लासरूम के भी पिक्चर्स कैप्चर करेंगे, एकदम रैंडम इंटरेक्टिव लाइव चीज़ें मिल रही होंगी है ना। और बड़ा इंपॉर्टेंट है यार किसी कैंपस के अंदर जाने से पहले कि वो कॉलेज कैसा है, अब यहाँ पर बच्चे कितने सेटिस्फाइड हैं यार, रेटिंग करेंगे तो यार स्टूडेंट से रिव्यू करेंगे, बातचीत की जाएगी यार कि कॉलेज कैसा है, फैकल्टी के बारे में जाने में, कॉलेज की कमियाँ क्या हैं उसको निकाला जाएगा, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या कैंपस की फ़ीस है, क्या हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, क्या हॉस्टल की है, और बच्चों से बात करेंगे यार, इंटरेक्ट करेंगे, एकदम लाइव इंट्रैक्शन एक तरह का। आने से पहले आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी कैंपस के बारे में आप सारी चीज़ें जानो, उसके बाद ही आप काउंसलिंग में इस कैंपस को सिलेक्ट करें। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, एकदम जेनरिक कंटेंट है ना, बच्चों से बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इसको ज़रूर शेयर करना, और अगर आपको किसी इसी तरह का और भी कॉलेज रिव्यू चाहिए किसी कॉलेज का तो मुझे उस कॉलेज का कमेंट करो, बिकॉज अभी एक हम लोग सीरीज रन कर रहे हैं। अभी इससे पहले हम लोग नैमीनाथ थे, फिर संस्कृति के मेजर एसटी, और देन आज मैं अलीगढ़ में हूँ। बच्चे मुझे कॉरिडोर में दिख रहे हैं तो अभी उनके पास चलेंगे और फिर उनसे बात करेंगे, और यार हर एक चीज़ की रेटिंग करी जाएगी कि भाई लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें हैं दिखाने के लिए या मतलब जो सिलेबस वाली वो हैं या कहीं से ला के रख दी गई हैं है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं कैंपस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चों को जो चीज़ प्रॉमिस किया जाता है वो है कि नहीं है। एक दो कॉलेज की एक अच्छे से वॉट लग चुकी है ना, एकदम सच्चाई वाला रिव्यू मिलेगा। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं इनसे बात करेंगे, बिकॉज हम लोग कैंपस में इजी वे में अंदर आ जाते हैं और उसके बाद पता चलेगा कि कैसा है, जैसा ये लोग बाहर से प्रॉमिस करते हैं वैसा है भी कि नहीं है। तो चलो अभी कुछ स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं उनसे बात करेंगे है ना। मुझे बताओ अपने कॉलेज के बारे में, कॉलेज कैसा है? अच्छा कॉलेज है। 5 में से रेटिंग दो? 4.8। बड़ा चढ़ा के बता रहे हो? नहीं, ये यूट्यूब में पड़ेगा, बाकी भी आके फंस जाएंगे तुम्हारी तरह। नहीं सही है, सच बताओ कितना रेटिंग? सच्चा तरीका 4.8। किस चीज को लेकर 4.8 दिया? फैकल्टी, टीचिंग, कैंपस। ये की चीज हो गया ना, फैकल्टी और टीचर तो नहीं, मतलब और सब पढ़ाई वगैरह, कैंपस सब कुछ अच्छा है, माहौल में पढ़ने। कहाँ से बिलोंग करते हो? गोरखपुर। गोरखपुर से? गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है, उसमें ले लेते, इतना दूर क्यों आए? थोड़ा सा माहौल के बारे में, अलीगढ़ की वजह से? जी। ऐसा क्यों? यहाँ का माहौल थोड़ा अच्छा, माहौल अच्छा है। अच्छा, हम समझ रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। कुछ और बच्चे हैं उनसे बात करूंगा यार मैं, रैंडम है ना। आई थिंक ये फर्स्ट ईयर का था, और कुछ मुझे और दिख रहे हैं। इधर आ जाओ भागो जी, क्या नेम है आपका? फैसल हाशमी। फैसल, आपका क्या नेम है? अहमद। अहमद, और भी आ जाओ, और भी कौन कौन है? आप आ जाओ, क्या नेम है आपका? मैं एक्चुअली एक कॉलेज रिव्यू कर रहा हूँ स्टूडेंट का, मेरा यूट्यूब चैनल है ना, उस पर हम लोग कंटेंट बना के डालते हैं, तो एकदम जेनरिक वाला रिव्यू देना है, कुछ भी ऐसा नहीं बताना कि जिसमें बच्चे आके फंस जाएं। कॉलेज कैसा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ अलीगढ़ कॉलेज में तो बेस्ट है। अलीगढ़ में नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में बात कर रहा हूँ। हाँ, बेस्ट है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का कंपेरिजन किसी एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकता है, वो एटलीस्ट स्टेट के अंदर होता है ना। जी, बेस्ट। कौन सी ईयर में हो आप? थर्ड ईयर में हो आप, तो मुझे लग रहा है कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस है कॉलेज का। मैं यूपी के अंदर बहुत कॉलेज विजिट किया हूँ, सच बताना कैसा है? 5 में से रेटिंग दो।
फाइव स्टार तो नहीं है, फाइव स्टार के लिए और फिर भारतीय विद्यापीठ के लिए कहाँ जाएंगे, पतंजलि वगैरह? हम जहाँ पढ़ते हैं हमें वहाँ से क्या चीज अच्छा है बताओ, एक अच्छी चीज बताओ। फैकल्टी बहुत अच्छी है यहाँ। फैकल्टी बहुत अच्छी है, कौन सा फैकल्टी अच्छा लगता है? सारी फैकल्टी। सारी नहीं, किसी एक का नियम? रहमान सर अच्छे लगते हैं। ठीक है, थैंक यू। क्या नेम है आपका? फैसल हाशमी। कौन सी ईयर में हो? थर्ड ईयर में हो। तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो, है ना, कि अभी तक कुछ मेडिकल कैंप वगैरह हुआ है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे समय समय पे मेडिकल कैंप नहीं होते हैं, आयोजन किया जाता है। किसने कहा होते हैं? हम लोग जाते हैं, खुद जाते हैं। गए हो कभी? हाँ बिल्कुल। कौन से गांव में गए थे? छिरत में हम लोग गए थे, जहाँ पे बहुत सारे स्किन डिजीज के लिए लीज थेरेपी किया गया था, जैसे एक्जिमा, कुछ क्षुद्र रोग आदि के लिए। और मतलब आधा अधूरा तू डॉक्टर बन गए? नहीं आधा अधूरा नहीं, हमारा जो बन गया नहीं, बैकबोन का प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगा? ये एक ऐसा कोर्स है मेडिकल जिसमें आपको हमेशा पढ़ना पड़ता है। नहीं वो तो मुझे मालूम है, मुझे ये बता मेरे बैकबोन में प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगा? सबसे पहले आपका किस वजह से प्रॉब्लम है? सिटिंग जॉब है इसलिए। देखिए बहुत सारा कारण हो सकता है, नर्व का डैमेज से भी हो सकता है। कैसे ठीक करेगा, कौन से थेरेपी से? बस्ती किया जाता है। ये डॉक्टर ठीक नहीं लग रहा हमको, कैसे ठीक करोगे भैया? अभी इसके बारे में मुझे पता नहीं। अभी कौन सी ईयर में? थर्ड ईयर में हो आप जी अभी। अच्छा कॉलेज कैसा है? कॉलेज अच्छा है। कुछ है डॉक्टर यहाँ पे हॉस्पिटल में कि नहीं है? हाँ है। कहाँ है, मुझे तो नहीं देखे। है नीचे में, डिपार्टमेंट में, अपने डिपार्टमेंट में। अच्छा कौन से डिपार्टमेंट में? पीडियाट्रिक में है। डिपार्टमेंट के नाम बता। पीडियाट्रिक में। कौन कौन से? कितने डिपार्टमेंट है कैंपस में? 16-17 डिपार्टमेंट। 16 है कि 14 होते हैं? 16। और तेरा कोई दोस्त है? चल मेरे साथ में, मुझे बता कौन बताएगा। आप लोग बताओगे मुझे थोड़ा सा? व्हाट्स योर गुड नेम? अदीबा। मुझे थोड़ा सा कैंपस के बारे में बताओ, ये डिपार्टमेंट नहीं बता पा रहा है। कितने डिपार्टमेंट है? 14 डिपार्टमेंट है यहाँ पर। कैसे आप आयुर्वेदा में कैसे सीखते हो? मतलब कोई भी अगर डिसीज है किसी भी पेशेंट को तो उसको कैसे ट्रीट करते हो? पहले उसके बारे में जानना, उसका कॉजेटिव एजेंट, सबसे पहली बात तो कि वो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फिर उस कॉजेटिव एजेंट को जान के। और वो सिखाया जा रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल, हमारे टीचर हमें सिखाते हैं। टीचर सिखाते हैं या डॉक्टर सिखाते हैं? सॉरी फैकल्टी। फैकल्टी सिखाती है। कभी सिखाया फैकल्टी ने? जी। फैकल्टी ने क्या सिखाया? फैकल्टी ने नॉलेज दी है, थ्योरेटिकल नॉलेज दी हुई है जी, और प्रैक्टिकल। उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने के लिए मिला है कभी? कैंप लगता है। किसी भी पेशेंट को आज तक ठीक किया हुआ है? अभी तो मैंने नहीं किया। घर के नाम के डॉक्टर हो मुझे लग रहा है, काम के नहीं हो। तो अभी कहां से हम ट्रीट करेंगे? कौन सी ईयर में हो अभी? थर्ड ईयर में हो अभी। तो मैं उम्मीद करूँ डॉक्टर बन जाओगे अच्छे वाले? जी बिल्कुल बिल्कुल बन जाओगे। आप बताओगे कुछ? जी। कॉलेज कैसा है? कॉलेज ठीक है। ठीक है, मुझे उदासी तुम्हारे चेहरे से दिख रही है। जब मैं वहाँ बैठा था तब मुझे लग रहा था मैं आपसे ही बात करूंगा। तो क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम आकिब खान। आकिब खान, कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा फरीदाबाद। हरियाणा फरीदाबाद, इतना दूर से अलीगढ़ क्यों? जी बस ले आए, अलीगढ़ चॉइस थी हाँ, इसलिए। ऐसा क्यों, अलीगढ़ में ऐसा क्या पाया जाता है? टैग है सर अलीगढ़ का। किस चीज का? अलीगढ़ का टैग है। एएमयू का टैग है सर। एएमयू का टैग है, लेकिन ये एएमयू तो ना है। लेकिन सर है तो प्राइवेट, अपना आयुर्वेद कॉलेज तो है ना यहाँ पे। हाँ अच्छा महसूस करते हो, सेफ महसूस करते हो, इसलिए डॉक्टर बने हो अभी? अभी तो थर्ड ईयर है सर, अभी तो थर्ड ईयर है। क्या क्या सीखा हो सच बताना? अभी सर बस्ती वगैरह हुई थी, गिरीवा बस्ती, नेक पेन के रिलीफ के लिए होता है। अच्छा जो जूनियर बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो आ सकते हैं इस कैंपस? बिल्कुल सर। हाँ जी बिल्कुल। सच बताओ मैनेजमेंट कैसा है? मैनेजमेंट मैंने सुना अच्छा नहीं, दो तीन ने मुझे बताया पहले। नहीं एक नंबर मैनेजमेंट है। एक नंबर तो नहीं है, पांच में से रेटिंग दो। पांच में से 4.5। 4.5 तो देखो अच्छा तो नहीं है ना कुछ चीजों में? कुछ चीजों में। क्या कमियां बताओ? कमियां इतनी कुछ खुल के बताना है, बता रहा हूँ दूसरा भी आगे फंसेगा। नहीं फंसने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे, फंसने वाला कुछ नहीं है। क्या कमियां है आप बताओगे बेटा मुझे, क्या कमियां है? कभी तो फिलहाल कुछ नहीं दिखती है, थोड़ा बहुत तो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए वो 4.5 रेटिंग दी है इसमें। अच्छा इसलिए आप कितना रेटिंग दोगे? मैं भी 4.5। 3.5 क्यों नहीं? नहीं 4.5। ऐसा यहाँ पे क्या है? मैनेजमेंट अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है, स्टडी इन वो तो सब जगह अच्छे होते हैं, उसी लिए तो एनसीएसएम ने अप्रूव किया है। नहीं तो हमारे यहाँ और भी अच्छा है। अच्छा मेरे अभी कौन से बैच में हो आप? जी मैं थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में हूँ आप, तो अभी कुछ सीखा हुआ है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोई चीज है आपके पास जो मुझे बता पाओ? डॉक्टर वाली स्किल है? जी। नाम के डॉक्टर बनोगे कि काम के? काम के भी, नाम के भी। नाम के और काम के दोनों के बनोगे? इंजीनियर वाली कहावत है कि इंजीनियर तो बन गए लेकिन इंजीनियरिंग वाले कोई गट्स नहीं है। नाम भी होगा काम भी होगा। नाम भी होगा काम भी होगा। कैंपस अच्छा है? बिल्कुल।
गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू सेफ्टी है जी, बिल्कुल अच्छा है, हेल्दी एनवायरनमेंट है, कोई प्रॉब्लम कैंपस के अंदर रहते हो, सेफली, कोई प्रॉब्लम नहीं शुरू होता। सुना था वार्डन अच्छी नहीं है? वार्डन अच्छी है, मैंने पता किया हुआ, मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे वार्डन अच्छी, मैं चुपचाप जाके घूम के आया हूँ, पता भी नहीं किसी को, चुपचाप करके निकल जाऊंगा। बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। हॉस्टल फीस कितने? 80,000। कूलर लगा है? जी नहीं लगा है, जो लगा है कूलर लगा है, वरना गर्मी मर जाते। अच्छा, एसी रूम है? एसी नहीं है, कूलर एसी नहीं है, फैन है, कूलर नहीं। अगर ऑप्शन में फैसिलिटी के टर्म्स में बात करें तो एसी मिलेगा? हाँ, मिल जाएगा। अच्छा, मिल जाएगा। कितना फीस है एसी वाले का? 1,00,000 रुपए। नॉन एसी का कितने? 80,000 है। वन टाइम पेमेंट है? इंस्टॉलमेंट नहीं, इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, मतलब बातचीत कर सकते। यार अभी कुछ बच्चों को देखेंगे, अगर क्लासरूम में होंगे है ना, तो उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि लंच चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कुछ कॉरिडोर में से कुछ क्लासरूम में मिल जाएंगे, तो उनको कनेक्ट करेंगे, देखते हैं ये क्या बताते हैं। कुछ चीज़ें तो पता चल गई हैं सच वाली, कुछ और पता चल जाएंगी, तो आ जाओ जल्दी से। लंच चल रहा है क्या अभी? सर हो गया है लंच, कम्प्लीट हो गया, सब ने खा लिया। कॉलेज कैसा बेटा? अच्छा है, बहुत, काफ़ी अच्छा। मैं एक्चुअली एक रिव्यू कर रहा हूँ, इसमें पूरा कैंपस का टूर हो रहा है, ये जो बच्चे अभी नीट देंगे ना इस बार, वो सारे देखेंगे, तो सच सच बताना है। मुझे लग रहा है सच नहीं बताओगे। आप बताओ कॉलेज कैसा है? सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। रेटिंग दो मुझे 10 में से। 10। आप रेटिंग कितना देना चाहोगे? 10। हर एक चीज में 10? यस सर। अभी क्लासरूम में एसी नहीं लगा हुआ है, 10 कैसे हो सकता है? मैं अभी कल विजिट किया हूँ, वहाँ पर एसी लगा था, चलता है थोड़ा, डिजिटल बोर्ड भी था, चलता है। यहाँ पे नहीं, जिम है यहाँ पे? जिम हॉस्टल में है। हॉस्टल में है? यस सर। ट्यूशन फी कितना है? ट्यूशन फी 260। 260 ले रहे हैं? Yes. मतलब सारा मिला के, मैंने तो सुना है कुछ कम है। नहीं सर, वो बाद में जो डिस्काउंट या जो होना होता है वो बाद कुछ में हो जाएगा, वो और फिर, जी सर, और फिर बाद में आपके मतलब ग्रेड्स पे भी डिपेंड करता है, अगर थोड़ा बहुत हो जाता है डिस्काउंट हो जाता है। यस सर, जो अच्छे बच्चे उनको मिलता है क्या? यस सर, अभी स्कीम वगैरह देखते हैं। अच्छा, कौन सी ईयर में हम लोग? अभी फर्स्ट ईयर में, तो अभी हमारे ऐसे कुछ पता नहीं। अभी एग्जाम वगैरह तो हुए नहीं होंगे, 3-4 महीने हुए? नहीं सर, अभी हम लोग का कुछ ही टाइम हुआ है, तो अभी हमारे इंटरनल स्टार्ट है अगस्त में। इंटरनल अगस्त में स्टार्ट है। कितने क्लासेस लगती बेटा पर डे? सर 8 क्लास। 8 क्लासेस लगती है, क्या टाइम ड्यूरेशन रहता है? सर 9 AM से 4 PM, 9 से 4 बजे तक। बड़ा बोरिंग हो जाता होगा। आप मुझे रेटिंग दो यहाँ की फैकल्टी को लेके। सर डिफरेंट रेटिंग है, अगर फैकल्टी की है तो 10 out of 10 है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की कम किस में सबसे? I would say इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 8.5 सबसे छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपी का सबसे छोटा कॉलेज कह सकते हैं? सर मैंने यूपी के कॉलेजेस नहीं देखे, ये मैंने विजिट किया तो मुझे तो बड़ा छोटा लग रहा है। तो सर आप रेटिंग दे दीजिए, मेरा तो नहीं है। आप नहीं दोगे? इंटरनल नंबर कट जाएंगे क्या? नो सर, इट डज नॉट। Honestly, infrastructure, I would say 8 or 8.5, but for quality education... क्या चीजें क्या की improve होनी चाहिए और? Maybe infrastructure only. और? Because teachers are very fine. Lab में सारा equipment है? Labs में सारा equipment है, everything is fine. Okay, thank you so much. यार ये एक review था अलीगढ़ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का, है ना? बच्चों ने कुछ चीजें सच सच बताई हुई हैं, तो इसको देख लेना, काम आएगा। और एकदम सच वाला review है। Thank you.